इस वीडियो में मैं आपको नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड गेम की बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा पीपीएसएस पीपी इम्युलेटर पे। तो चलिए जानते हैं अगर आपके इसमें ये गेम हैंग होता है, स्लो चलता है, या ग्राफिक्स प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी बेकार आती है, या फिर वॉइस प्रॉब्लम आती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा कैसे सुधार सकते हैं आप सेटिंग से। तो चलिए जानते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले गेम में क्लिक करेंगे। गेम में क्लिक करने के बाद आप एक बार बैक बटन दबाएंगे। मोबाइल में जो बैक बटन होती है वो दबानी है हमको। दबाने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट गेम कॉन्फिग में। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ जाएगा गेम सेटिंग्स का। अब गेम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हमें इसमें क्लिक करना है मोड में, बफर द रेंडरिंग में इसमें क्लिक है अभी। तो अब इसमें हम क्लिक करेंगे इसके बफर इफेक्ट्स में, ये क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद हम इसमें क्लिक करेंगे फ्रेम स्किप में, ये 2 कर देंगे। अभी ऑफ है, ऑफ से 2 में कर देना है। और ये करने के बाद हम इसमें क्लिक करेंगे और थोड़ा स्लाइड डाउन करेंगे, लेजी टेक्सचर कैचिंग स्पीड अप में क्लिक करेंगे। और ये मीडियम कर देंगे हम, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा स्लाइड डाउन करेंगे और टाइम हैक में क्लिक कर देंगे। और आडियो में जाएंगे, आडियो में ये मीडियम पहले से होगा तो ठीक है, नहीं तो मीडियम कर देंगे। और इसे हटा देना है टिक, और इसमें टिक कर देना है हमें, बस इतना ही करना है। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की, और जवाब दूँगा भी, जितना मुझसे बनेगा उतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।